एफपीआर स्लिप हो जाएगा, फिर भी मैं मार रहा हूँ शॉर्टकट, आराम से चलना पड़ता है। मेरा नया ब्लॉग को स्वागत है। मैं अभी आ चुका हूँ देव लाली में, नासिक में पड़ता है, तो इधर मंदिर भी है और कुछ पार्क वार्क है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देव लाली में घुमा के आपको दिखाता हूँ। अब हम जा रहे हैं टेम्पल हिल पे, मंदिर आपको दिखाई दे रहा है अभी। हाँ यार, मंदिर के ऊपर है वो, इसलिए दिया है टेम्पल हिल। वो नहीं तो बोलता था जरूर, इधर से जाएगा ना, पार्क बनाया है। वन घंटी बज गया, घंटी इधर से चढ़ के जाना पड़ेगा। देवली है ना, देवली देलाली, देलाली में टेंपल हिल, तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर, पहाड़ का पर मंदिर है वो दर्शन करने के लिए। पूरा स्ट्रेट रास्ता यार, फाइनली पहुंच गया। चप्पल कहाँ रखे, इधर ही रखे ना। हाँ ऊपर आ गया मंदिर का ऊपर। दोस्तों हम मंदिर के अंदर घुस गए, अभी देखिए मंदिर में जा रहे हैं। ये टेम्पल हिल मंदिर है, खंडवा मंदिर बोला जाता है, मराठी में खंडवा मंदिर बोला जाता है। देखिए मंदिर में आप लोग एंट्री कर सकते हैं और बहुत सी घंटी बजा रही है। मेरा अभी पता नहीं पाएगा, मैं एक बार अलग मिस हो गया, फिर दोबारा मैं घंटी बजा लिया। चलो ठीक है, भगवान का दया से हम लोग अभी दर्शन करते हैं खंडवा का, खंडवा मंदिर में। अभी हम आ चुके टेम्पल हिल, देखिए अंदर। खंडवा जो है कि शिव जी का अवतार है बोला जाता है। इधर इधर खंडवा का मंदिर के बगल में भगवान शिव शंकर का मूर्ति है, उधर भी है और देवी माता भी है। चलिए आप देखे थे, देखिए भगवान शिव भी है और उनका पीछे दुर्गा माता भी है। तो हम लोग अभी दर्शन तो कर लिया, चलिए आप लोग भी दर्शन करिए। हर हर महादेव। टेम्पल हिल मस्त जगह है, पूरा हरा हरा पहाड़ का ऊपर मंदिर है। अभी हम चल रहे निकल रहे, अभी मंदिर का सामने देख सकते हैं कि हिल पॉइंट है, तो आपको पूरा वाला नज़ारा आएगा, देवली का पूरा नज़ारा आएगा। देखिए बारिश का मौसम में कितना खूबसूरत तो दिखाई दे रहा है आपको, देखिए कितना हरा हरा है जंगल, मस्त लग रहा है। देवली का कैंप पार्क भी वाला दिखा सकते, पार्क भी दिखाई दे रहा है आपको।
बारिश हो गया ना, पूरा हरा हरा, कुछ सूखा सूखा नहीं, पूरा हरा हरा मस्त लग रहा है। अभी मंदिर तो दर्शन हो गया पहाड़ के ऊपर, अभी हम चलते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी से फिर उतर के फिर हम लोग रूम जाएंगे, क्योंकि पहाड़ से नीचे तरफ आना हम लोग शॉर्टकट मार रहे हैं, स्लिप हो जाएगा। फिर भी मैं मार रहा हूँ शॉर्टकट, आराम से चलना पड़ता है। ये देखिए मेरा सामने क्या नजारा है, देवल के पास देवल से दर्शन कर अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। अगर रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट के बगल में छोटा सा पार्क है, चलिए आपको दिखाता हूँ रेस्टोरेंट और पार्क। तो साउथ इंडियन खाना भी मिलता है, आपको मिल जाएगा, और पार्क में छोटा मोटा कुछ चिड़िया पिड़िया है, आपको ही दिखाता हूँ, चलिए। बच्चे के लिए घूमने के लिए सब मच्छी है ना, पत्ता पत्ता है। हाँ उधर सब है पार्क, अरे यू काटेगा नहीं, नहीं बड़ा है ना वही में, उसका अंडा बहुत, उसका अंडा बहुत भारी है। क्या नाम है उसका? शुतुरमुर्ग। अपना उधर भी ला जो भी मुर्गी वर्गी सब कुछ रहता है। मैं वो मयूर जैसे पीछे उठा रहे हैं, काला वाला भी मुर्गी है यार, काला वाला भी बत्तख है, वो भी जैसे तीन है। वाओ फोटो देखने के उठाने के लिए आया, वो फोटो मस्त बना रहे। सो गया। ये तो देसी लग रहे, बॉयलर लग रहे, लेकिन उसका पास जाना डर। वो हाल मतलब, अच्छा ये मुर्गी का नाम है वो जो ब्लैक वाला है, यही है हाल्टेड जिन है। इसके नाम क्या है?